सरोकार। लड़ाई जारी रहेगी, पीएम मोदी का सख्त संदेश। जवानों की शहादत याद रखी जाएगी, छत्तीसगढ़ नक्सली हमले की पीएम मोदी ने की कड़ी निंदा, आईईडी ने उसके किया हमला। पीएम मोदी के मिशन साउथ पर कांग्रेस का तंज, कहा दक्षिण की किसी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने की दी चुनौती। अमित शाह ने इंदिरा गांधी को कहा तानाशाह, मन की बात कॉन्क्लेव में बोले, किसी एपिसोड में नहीं की राजनीति की बात। टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल की बेटी सुकन्या मंडल को ईडी ने किया गिरफ्तार। मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। यूपी में चुनावी घमासान जारी है, ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नगर निकाय चुनाव को लेकर विशाल जनसभा कर रहे हैं। सीएम सहारनपुर में बीजेपी प्रत्याशियों के हित में वोट करने की अपील जनता के बीच जाकर कर चुके हैं। ऐसे में आज सहारनपुर के छुटमलपुर स्थित नगर पंचायत चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अब्दुल हसीन मलिक के चुनावी कार्यालय के उद्घाटन में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत शिरकत करते नजर आए। ऐसे में मीडिया से बातचीत करते हुए अब्दुल हसीन मलिक ने कहा कि क्षेत्र में रह रही जनता की हर समस्या का समाधान होगा। जो यहाँ पे है विकास का जी, यहाँ की समस्या है बिजली की, पानी की, ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी है यहाँ पानी की निकासी की जी, और सबसे बड़ी जो लाइट की, क्योंकि यहाँ घनी आबादी है, ये 10,000-5,000 आबादी पे ये ट्रांसफार्मर रखा है सामने जी, 1 किलोमीटर पे दूसरा रखा है। अगर यहाँ एक बार इसमें कुछ आग लग जाए, टूट जाए, फूट जाए, तो सारा ये इलाका जो अंधकार में डूब जाए। मेरा मेन जो फोकस रहेगा विकास पर रहेगा, विकास ही मेरा मुद्दा रहेगा। सही बात दूसरी ये है युवाओं के लिए यूपी में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में सत्ताधारी पार्टी के प्रत्याशी से लेकर विपक्ष पार्टी के नेताओं ने अपने अपने पार्टी प्रत्याशी संघ क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत कर दी है। चुनावी समय में विकास मुद्दे को ब्रह्मास्त्र बनाकर वोट देने की अपील जनता से की जा रही है। मीडिया से बातचीत करते समय मंजू शर्मा ने कहा कि सफाई को लेकर उच्च व्यवस्था करवाई जाएगी, महिलाओं के हित में रोजगार की व्यवस्था कराने का काम भी किया जाएगा। सभी लोग जानते हैं कि मैं पहले 15 साल भी यहाँ प्रधान रह चुकी हूँ और पिछली योजना में केवल एक वोट से हारी हूँ, तो वो भी हार में हार नहीं मानती हूँ, लगातार जनता के बीच में बनी हुई हूँ, तो मेरे काम की वजह से ही मेरी पहचान है। और अब तो मैं उस पार्टी से टिकट मिला है जो विकास के मामले में इतिहास बनाया है जिन्होंने। यहाँ पर इस छुटमलपुर के अंदर और बहुत सी पार्टियों के प्रत्याशी हैं, लेकिन महिला केवल आप हैं, तो महिलाओं को लेकर आप ऐसी कौन सी योजना लेकर आएंगे ताकि महिलाओं का सशक्तिकरण हो, महिलाओं का विकास हो, और एक उनको सुरक्षा का पूरा आपकी। औरैया जिला अधिकारी के निर्देश पर आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर आबकारी विभाग और पुलिस विभाग की टीम द्वारा पछैया बस्ती में संयुक्त रूप से छापेमारी की गई। पुलिस और आबकारी विभाग की टीम को देखकर शराब माफियाओं में खलबली मच गई। आबकारी विभाग की टीम द्वारा कई घरों में छापेमारी की गई, जिसमें एक घर में कच्ची शराब बनाते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और उसके पास से 20 लीटर कच्ची शराब भी बरामद की गई। वहीं कई लीटर लहन भी नष्ट किया गया। पकड़े गए अभियुक्त के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पुलिस के साथ एक अभियान चल रहा है जो कि नगर निकाय चुनाव होने तक ये जारी रहेगा। इसी के तहत आज पसैया बस्ती में सुबह जो है छापेमारी की गई है, जिसमें कि एक मदन नाम का आदमी जो है ये शराब बनाते हुए पकड़ा गया है, जिसके पास से 20 लीटर शराब जो है बरामद हुई है और उसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और उसको ले जा करके कोतवाली में विधिक कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं।
हाँ, पुलिस की टीम थी, थाना अध्यक्ष महोदय कोतवाली और उनके सहयोगी सब इंस्पेक्टर साहब और उनकी पूरी पुलिस की टीम, सीता बल सब साथ में था और हमारा आबकारी का पूरा स्टाफ था, हमारे सभी इंस्पेक्टर से यहाँ पे थे, साथ ही तीनों लोग इंस्पेक्टर लोग हम लोग यहाँ पे थे। खबर फरीदाबाद से है जहां पर क्राइम ब्रांच और एक्साइज की टीम ने मिलकर संयुक्त कार्रवाई की। नीलम चौक में शराब के ठेके से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई, जिनमें सस्ते दामों की शराब भरकर ब्रांडेड बोतलों में बेची जा रही थी और मोटा मुनाफा कमाया जा रहा था। क्राइम ब्रांच ने सूचना के आधार पर एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ मिलकर छापेमारी की है। एक्साइज डिपार्टमेंट और क्राइम ब्रांच की टीम अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मैंने अभी आपको बताया कि FIR नंबर 243 PS कोतवाली के संबंध में हम ये निरंतरता में ये कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें एक्साइज डिपार्टमेंट की सहायता ली जा रही है, उनको इस 36 में शामिल करके और आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। क्या थी FIR में, क्या शिकायत थी, क्या बरामद किया? उसमें महंगे ब्रांड जो थे उनमें नकली बोटलिंग की जा रही थी। ये बात आप समझिए कि ओशियन ब्लू, रॉयल स्टैग और जो छोटे ब्रांड है उनको रॉयल एब्सोल्यूट और गोल्ड लेवल, ब्लैक ब्लू लेवल, शिवास रिगल, इस तरह की शराब बनाई जा रही है। बोतल है ग्रांड ट्रिपल वुड की 107 है, जैक डेनियल की 24 है और टेकिला की 12 बोतल है। किस तरह की कार्रवाई जाएगी? ठेके के खिलाफ अभी हम इसका अपना हेड ऑफिस में केस बना के भेज रहे हैं, ब्रीच केस। कमिश्नर एक्साइज इस पे एक्शन लेंगे, क्या पेनल्टी लगाते हैं, लाइसेंस कैंसिल सस्पेंड करते हैं, वो उनके क्या लगता है कि और ठेको पर भी जो है? हाँ डेफिनेटली, अगर जहाँ से भी शिकायत आएगी हम पूरी तरह से एक्साइज डिपार्टमेंट मुस्तैद है, टीमें बना रखी है और आज भी चेकिंग कर रही है, कल भी कर रहे थे, इस तरह से तो लगातार ये सिलसिला जारी रहेगा। जहाँ जहाँ पे क्या मानते हैं कि लोग जो महंगी दारू पीते हैं ये खतरे से खाली नहीं? डेफिनेटली अगर इस तरह से हो रहा है तो गलत है, लेकिन हम क्राइम ब्रांच की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छापेमारी की है, वही भारी मात्रा में सस्ती शराब पकड़ी गई है। भारी मात्रा में सस्ती शराब पकड़ी गई है। बता दें नीलम चौक में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। ये फरीदाबाद से आपको खबर बता रहे हैं जहां क्राइम ब्रांच और एक्साइज की टीम ने मिलकर ये बड़ी कार्रवाई की है। नीलम चौक में शराब के ठेके से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है। बता दें जिनमें सस्ते दामों की शराब भरकर ब्रांडेड बोतलों में बेची जा रही थी और मोटा मुनाफा कमाया जा रहा था। क्राइम ब्रांच ने सूचना के आधार पर एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ मिलकर छापेमारी की ये बड़ी कार्रवाई की है। एक्साइज डिपार्टमेंट और क्राइम ब्रांच की टीम अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। फरीदाबाद से हमारे संवाददाता मनोज हमसे जुड़ चुके हैं। मनोज, क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा बड़ी छापेमारी की गई है जिसमें सस्ती शराब बरामद की गई है, क्या कुछ पूरा मामला, क्या जानकारी? मयूर बता दें, क्राइम ब्रांच की जो टीम है उसको गुप्त सूचना मिल रही थी कि जिस तरह से जो ब्रांडेड जो शराब है उसका लेवल चेंज कर शराब को मोटे दामों में मुनाफे में बेचा जा रहा था, कहीं ना कहीं जो गुप्त इसकी जो शराब की जो कालाबाजारी बड़े पैमाने पे की जा रही थी। इससे पहले जो क्राइम ब्रांच के पास जो मामला भी दर्ज है उसी की जांच के अनुसार आज फरीदाबाद के नीलम चौक के समीप शराब का ठेका है, जहां पर एक्साइज विभाग और खुद अधिकारियों ने कार्रवाई की है। संयुक्त कार्रवाई करने के बाद करीबन 10 से 18 जो पेटी हैं शराब की वो बरामद की हैं, जिनका लेवल हटा पड़ा था और कहीं ना कहीं उनको लेवल चेंज करके उनको मोटे दामों में बेचा जाता था। जी जी धन्यवाद मनोज हमसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए। कानपुर पुलिस के वाहनों में भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की कवायद शुरू हो गई है। जहां एक तरफ यातायात पुलिस की DCP रवीना त्यागी ने जब से यातायात की कमान संभाली है तब से यातायात नियमों के पालन करवाने के लिए अभियान चलाया है, जिसके फलस्वरूप कहीं न कहीं इसके परिणाम भी अच्छे आना शुरू हो गए हैं। वहीं DCP मुख्यालय तेज स्वरूप ने भी पुलिस की गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने का भी अभियान चलाया है। DCP तेज स्वरूप
ने बताया कि कानपुर कमिश्नरेट के सभी थानों और अधिकारियों की गाड़ियों की संख्या करीब 257 है, जिसमें अभी तक 158 गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लग गई है और 99 गाड़ियों में अभी नंबर प्लेट लगानी बाकी है। बचे हुए पुलिस के वाहनों में भी 15 दिन तक सभी पुलिस के वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगा दी जाएगी। देखिए, पुलिस के जो हमारे यहाँ जो कानपुर नगर के हैं 257 वाहन हैं जो चालू हालत में है, इनमें हमने 158 पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगा दी है। शेष जो हमारे बचते हैं उसमें प्रोसेस पर है, बहुत जल्दी पूरा कर लिया जाएगा और कोई भी किसी को छूट नहीं है कि वो नियम कानून का पालन ना करे, चाहे वो पुलिस का हो चाहे जिसका भी हो। नहीं, 112 का भी अलग से किया जाएगा, वही काम किया जाएगा जो यहाँ है। इसमें ACP से लेके सभी के हैं, थाने के भी हैं, बाइक भी हैं, समस्त वाहन हैं, सभी प्रकार के वाहन हैं। राजधानी लखनऊ की रेजिडेंसी के पास एक वकील पर जानलेवा हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि फैमिली कोर्ट में एक पति पत्नी के चल रहे समझौते में महिला पक्ष के अधिवक्ता कोर्ट से अपने घर लौट रहे थे, तभी वकील पर बाप बेटे ने हमला कर दिया, जिसके बाद अधिवक्ता समाज में आक्रोश देखने को मिला है। बीच चौराहे पर मारपीट करता देख राहगीरों की मदद से वकील को छुड़ाया गया। राहगीर ने पुलिस को सूचना दी और वकील के साथ मारपीट कर रहे बेटे को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। देखते ही देखते थाने पर तमाम अधिवक्ता इकट्ठा हो गए और विरोध करने लग गए। फिलहाल अधिवक्ता ने थाने पर तहरीर दी है और पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। मेरे मुवक्किल थे शालिनी गुप्ता, उसका आज मीडिएशन था, उसके पति से झगड़ा चल रहा था। मीडिएशन के दौरान उससे कुछ कहा सुनी हुई, हम लोग मीडिएशन में तारीख हो गई तो नीचे उतरे। नीचे उतरने के बाद वो हमको कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया, जिससे हमने मना किया और कहा कि वकील को गाली नहीं देना चाहिए। वो उससे क्षुब्ध हो गया, कहा कि ठीक है, आप बाउंड्री में हैं तो आप बात कर लीजिए, अभी बाहर निकलो तो बताते हैं। हम लोग जा रहे थे और कारगिल पार्क के सामने पहुंचे ही थे, जहां पर नारियल वाले पानी बेचते हैं वहां। यूपी बोर्ड का रिजल्ट जारी हो चुका है और इसी के साथ बाराबंकी के शगुन ने हाई स्कूल में जिले में चौथा स्थान प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया है। 96.33% अंक हासिल कर जिले में चौथा स्थान प्राप्त किया है। बता दें कि शगुन प्रशांत बाल विद्या मंदिर कन्या इंटर कॉलेज रामनगर में पढ़ती है और कोतवाली बदोसराय कस्बे की रहने वाली है। वही जिले की एक और छात्रा आयुषी ने 92% पाकर पिता का नाम रोशन किया है। नाम संगीता है और हम बड़ोसरा में रहते हैं और प्रशांत बाल विद्या मंदिर गर्ल्स इंटर कॉलेज रामनगर में पढ़ते हैं। और हम बच्चों से कहना चाहेंगे कि कंसिस्टेंसी बना के पढ़े, रोज पढ़े और अच्छे से पढ़े, हार्डवर्क करें। सरकार से कोई संदेश, कोई मैसेज देना चाहते हैं? हम सरकार से कहना चाहेंगे कि अपनी पॉलिसीज में थोड़ा सा चेंजेस करें और थोड़ी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसको और ज़्यादा सुधारें। लखनऊ में पेंट की दुकान में भीषण आग लग गई, जिसके बाद सारा सामान जलकर खाक हो गया। पूजा सामग्री सहित पेंट की दुकान में लगी आग ने विकराल रूप ले लिया। दुकान में रखा लगभग 10 लाख से अधिक का सामान जलकर राख हो गया। बता दें कि दुकान तेजस एंटरप्राइजेस की थी, वहीं आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। आग लगने के दौरान सीतापुर हाईवे पर जाम लग गया। BKT थाना क्षेत्र स्थित एयरफोर्स तिराहे के पास का पूरा मामला बताया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में मन की बात के 100 राष्ट्रीय सम्मेलन में एक स्मारक सिक्का जारी किया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम का 100वां एपिसोड आगामी रविवार को प्रसारित किया जाएगा। पीएम मोदी के मन की बात पर राष्ट्रीय कॉन्क्लेव के समापन सत्र पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि लोकतंत्र के अंदर जनसंवाद के अनेक माध्यम होते हैं और मोदी जी ने आकाशवाणी को जनसंवाद को चुना। इससे आकाशवाणी युवा पीढ़ी तक पहुंचा। मैं बचपन से आकाशवाणी का बड़ा प्रशंसक रहा हूं। मैंने कई महत्वपूर्ण बातें आकाशवाणी पर सुनी है। बांग्लादेश पर भारत की विजय को मैंने आकाशवाणी पर ही सुना है। आपातकाल के बाद एक तानाशाह के पराजय को सुबह 5 बजे आकाशवाणी के बुलेटिन पर सुना।
इंदिरा गांधी पराजित हो गई हैं। बुलंदशहर में प्राथमिक विद्यालय में वाटर कूलर शोपीस बंद कर रह गया है। बता दें कि यहां सरकारी योजना का दुरुपयोग हो रहा है। ग्राम पंचायत एचोरा हुआ छतुरिया के प्रधान व सेक्रेटरी के ऊपर मिली भगत का बड़ा आरोप लगाया गया है। गर्मी के मौसम में प्राथमिक विद्यालय के मासूम छात्र छात्राओं को पानी पीने की काफी परेशानी हो रही है। वहीं ग्रामीण व प्रधानाध्यापक की माने तो यहां वाटर कूलर शोपीस बना हुआ है जो आज तक नहीं चल पाया है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रधान ने पैसे भी खाते से निकाल कर कागजों में पूरा काम भी दिखा रखा है। ये पिछली साल ही लग गया था, ये केवल खोल खोल लगा हुआ। हमने कई बार शिकायत की प्रधान जी से, बी डी ओ साहब से, हर बार आश्वासन मिलता था कि आज लग जाएगा, कल लग जाएगा, लेकिन आज तक नहीं लग पाया। और कभी विद्यालय में सफाई कर्मचारी नहीं आता। प्रधान जी से बार बार कहने के बावजूद प्रधान जी कहते हैं भैया व्यवस्था ही नहीं है, व्यवस्था ही नहीं है। तो सफाई आप किस माध्यम से कराते हो फिर स्कूल की? सफाई हम अपने रसोइये से करा लेते हैं, खुद कर लेते हैं। संजय जी, आपके गांव की स्कूल की क्या समस्याएं हैं? समस्या ये है कि ये आरू मतलब खड़ा है कवर, इसमें ना आरू लगा ना कुछ लगा अभी तक। तो आपने किसी अधिकारी को शिकायत दी? वही तो प्रधान को बताना पड़ता है ना बस। तो प्रधान ने क्या बोला? प्रधान तो कुछ आती ही नहीं है मतलब जब से प्रधान बने। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का आज गाजियाबाद दौरा है। जितेंद्र यादव के भाई के निधन पर शोक व्यक्त करने उनके आवास पर जाएंगे। इसके साथ ही नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर मेयर प्रत्याशी पूनम यादव के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। बताते चलें कि समाजवादी सिंबल पर चुनाव लड़ रहे पार्षद व कार्यकर्ताओं में अखिलेश यादव जोश भरेंगे। सिकंदर यादव के गाजियाबाद स्थित नेहरू नगर आवास पर कार्यकर्ताओं व प्रत्याशियों से अखिलेश मुलाकात करेंगे। स्मार्ट सिटी बनाए होते तो हुंकार भरते, ये स्मार्ट सिटी नहीं बनाया तो कैसी हुंकार भर रहे हैं? अखिलेश जी 2012 में अपने अपने चुनावी साइकिल चलाई थी यहाँ पर, उस समय और आज की गाजियाबाद में क्या अंतर है? देखिए वो नहीं, मुझे उम्मीद है कि एक पढ़ी लिखी और जिसके पास अनुभव है घर परिवार चलाने का, उस इस बार गाजियाबाद की जनता पूनम जी की मदद करेगी, एक एक वोट साइकिल के चुनाव चिन्ह पे डालेंगे। इस बार जो माहौल है और जिस तरीके से इन्होंने क्षेत्र बढ़ाए हैं, समाजवादी पार्टी से सीधा मुकाबला है और समाजवादियों को सरकार से लड़ना है, डीएमएसपी से लड़ना है, बीजेपी के झूठ से लड़ना है, इनके पैसे से लड़ना है, इनके टीवी चैनलों से लड़ना है, तो सोचो कितना कड़ा मुकाबला है। लखनऊ में न्यायालय में पेशी के दौरान पुलिस कर्मियों को चकमा देकर फरार हो जाने वाले शातिर अभियुक्त फैजान को पुलिस ने दबोच लिया है। कमिश्नर एसपी सिरडरकर ने दिशा निर्देश पर काम कर रहे वजीरगंज कोतवाल को बड़ी कामयाबी मिली है। इंस्पेक्टर वजीरगंज मनोज कुमार मिश्रा के नेतृत्व में एसआई जितेंद्र कुमार यादव व एसआई अरविंद कुमार और पुलिस टीम को बड़ी सफलता मिली है। बताते चले कि न्यायालय पेशी के दौरान फरार हो जाने वाले शातिर इनामिया फैजान को पुलिस ने दबोच कर हवालात में बंद कर दिया है। शातिर अभियुक्त फैजान मड़ियाव थाने में 302 के मामले में आया था जेल। प्रयागराज में गांव के ही दबंगों ने क्रिकेट खेलने को लेकर एक युवक की पिटाई कर दी। वहीं युवक के पिता ने स्थानीय थाने में दबंगों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि लाठी डंडे से जमकर पिटाई से गंभीर चोटें आई हैं। वहीं शोरगुल मचाने पर घर के परिजनों ने देखा कि युवक गंभीर हालत में गिरा पड़ा है और उसके मुंह से खून निकल रहा था। आनन फानन में परिजनों ने इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। बता दें कि तत्काल डॉक्टरों द्वारा इलाज करते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं परिजनों के प्रार्थना पत्र के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। और कुछ नहीं, हम विकलांग आदमी हैं, हमारे पास कोई और सहारा नहीं, एक ही लड़का है, बचने का आशा नहीं है मेरे लड़कों को, इतनी मार मार दी है। कौन मारा है? अखिलेश कुमार, रमेश कुमार, एक अज्ञात है, उसको नहीं चीन पा रहे हैं।
कहाँ के रहने वाले हैं? किहनी ग्राम सभा के रहने वाले हैं। पिता का नाम एक का रामेश है, मातांबर है और एक का हनुमान है। सही बात है। अच्छा, तो ये बताइए आपने इसकी शिकायत पर कहीं पर की है? थाने पर शिकायत किए हैं। अब फर्जी वो मेडिकल बनवा रहे हैं, फर्जी मेडिकल नहीं बनवाना चाहिए और न बनना चाहिए। मतलब कौन फर्जी मेडिकल बनवा रहा है? मातांबर। तो आपका मुकदमा दर्ज हुआ है? हमारा मुकदमा FIR दर्ज कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। निर्वाचन आयोग ने दो चरणों में चुनाव कराने का निर्णय लिया है। पहले चरण में 9 मंडल के 33 जिलों में निकाय चुनाव की वोटिंग होनी है। इसी को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। वह संबल में सपा में गुटबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। समाजवादी पार्टी संबल में दो गुटों में बढ़ती नजर आ रही है। एक खेमे में विधायक इकबाल महमूद अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क और निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन का ऐलान किया है। निर्दलीय प्रत्याशी यासीन संभाली की पत्नी फरहाना को सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के समर्थन के बाद राजनीति में यासीन संभाली का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। यासीन सैफी के कार्यालय के उद्घाटन पहुंचे सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क व विधायक जियाउर रहमान बर्क ने यासीन की पत्नी फरहाना के लिए वोटों की जनता से अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि नगर पालिका परिषद में जो पैसा आए वह विकास कार्यों में लगे, इसलिए हमने निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन दिया है। जो खास तौर से रोडों का पैसा खस्ता हालत में नहीं लग पाता, जिस उसमें पैसा आता है उस विभाग में खर्च नहीं हो पाता, हाउस टैक्स हो उसको कम करने की जगह गरीब आवाम है उस टैक्स को कम करने की जगह ख़त्म करने की जगह और बढ़ा दिया गया है उसको, उसके लिए लड़ रहे हैं। जो लाइट की समस्या रहेगी खासतौर से विद्युत पोल वगैरह जो लगते हैं सब लाइट है, स्ट्रीट लाइट है, उनको लगवाने के लिए, शहर की साफ़ सफाई करवाने के लिए और जो भी सर्टिफिकेट नगर पालिका से इशू किए जाते हैं जनता के लिए। सवाल ये है कि नगर पालिका कोई भी हो, हमारे संबल के नगर पालिका हमें तजर्बा है, हमने देखा कि जो पैसा गवर्नमेंट से म्यूनसिपलिटी में आवाम के लिए सड़कों पर बीज और नाली नाले गलियों पर लगने के लिए आया या बिजली पानी के लिए आया, वो उन पर नहीं लगाया गया, उनके पेटों में चला। उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।